मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आप कर्चन इन्फो मस्ती। पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्टूडेंट का कैसे हम ईमेल आईडी वेरीफाइड करते हैं और आज की वीडियो में जानेंगे कि स्टूडेंट आउटकम फॉर्म कैसे भरें वो भी आसान तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हो हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपको अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लेना, तो मैं अपने क्रोम पर क्लिक कर देता हूँ। तो वही प्रोसीजर रहेगा, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। पहले यहाँ मैं पीएमजी दिशा लॉगिन कर लेता हूँ। तो पीएमजी दिशा लॉगिन करने के बाद यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और जो पहला लिंक आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो पहला लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम और आपका पासवर्ड डाल के इसे सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपना सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। इसको वेरीफाइड कर लेना अच्छे से, ठीक है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नो थैंक्स करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, मैंने हाइड कर रखी हैं। और यहाँ अपना पर्सनल डाटा देख सकते हो कि आपके टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो ऐड हो चुके हैं, जो एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, ये सब आप यहाँ मेंशन हो जाएंगे। आपको सिंपली अपने स्टूडेंट लिस्ट में आना है, आपको वो बच्चा सेलेक्ट करना है जिस पर ये हमें आउटकम फॉर्म फिलअप करना है। और ये आउटकम फॉर्म तभी भरा जाएगा जब पहले ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। वहाँ अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो अखिलेश अहिरवार, हमने इस बच्चे का ईमेल आईडी वेरीफाइड किया था और हम इसका स्टूडेंट आउटकम फॉर्म भी वेरीफाइड करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हमें स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको लॉगिन करने से पहले आपको तीन बिंदी हैं, इस पर क्लिक करके एक नया टैब खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं ओके नया टैब खोलने से पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो मैं इस पर की बटन पर क्लिक करता हूँ और इसका रीसेट करते हैं पासवर्ड। तो यहाँ देख सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है आपके पास। आपको सिंपली यूज़र नेम को कॉपी कर लेना है और पासवर्ड को भी कॉपी कर लेना है। तो वन बाय वन करेंगे, हमने यूज़र नेम को कॉपी करा हमने और सिंपली तीन बिंदी जो दिख रही हैं क्रोम के अंदर उसको हम पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जो तीन बिंदी दिख रही हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू टैब खोलेंगे हम, न्यू इनकॉग्निटो मोड आपको ऑन कर लेना है। इस पर कॉल क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपको ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली पीएमजी दिशा लॉगिन क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ पीएमजी दिशा लॉगिन और जो पहला लिंक आएगा आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ जो यूज़र आई नेम आपने जो कॉपी किया है वही आपको यहाँ पेस्ट करना है और वहीं से जो पासवर्ड आपने जो कॉपी किया था वो आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं वहाँ बैक जाता अपने मेन अकाउंट पर और आपको यहाँ सिंपली पासवर्ड को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर स्टूडेंट वाले पर आना है। पहले कॉपी कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा और स्टूडेंट वाले पे आके इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। मैं सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली आप लॉगिन क्लिक करोगे तो जो स्टूडेंट का अकाउंट होगा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आई एग्री पे क्लिक कर देना, डिसएग्री मत करना अदरवाइज आपका स्टूडेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देख सकते हो मैंने एग्री कर रखा है और यहाँ देख सकते हो ईमेल आईडी वेरीफाइड आ गया आपके पास ग्रीन वाला। ठीक है, अब हमें फिलअप करना है स्टूडेंट आउटकम फॉर्म को, जो तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट आउटकम फॉर्म को इसको फिलअप करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको सिंपली ट्रांजेक्शन के अंदर आना, पहले मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ, यहाँ कोई वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा तो आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन के अंदर आने के बाद आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट आउटकम फॉर्म, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस को आपको टिक यस या नो में आंसर देना है आपको। तो सिंपली जो लिखा है यूज़ डिजिटल डिवाइस यस कर देना, यूज़ इंटरनेट टू ब्राउज इसको नो या यस कर सकते हो। यस करोगे तो आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी, इसलिए नो कर देते हैं हम इसको। ठीक है, यूज़ डिजिटल लॉकर उसको यस कर देते हैं। ठीक है, यूज़ ऑनलाइन जी टू जू सर्विस इसको नो कर देते हैं। अगर आपके पास है डाटा तो आप यस कर दो। ठीक है, तो अदरवाइज यस करोगे तो यहाँ ऑप्शन पूछेगा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये सब चीज़ें, तो नो कर देते हैं हम। तो हैव अकाउंट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। ठीक है, यस करोगे तो आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, तो यस करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो बैंक नेम वगैरह डालना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस है तो यस और नहीं है तो नो कर दो। तो मैं सिंपली नो कर देता हूँ। बाकी लिखा हुआ हैव डाउनलोड ई ग्राम ई स्टोर ऐप, तो यस कर दो अगर आपने डाउनलोड कर रखी है, और नहीं डाउनलोड करेगी तो नो कर दो और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये इस ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ लिखा है मेक पेमेंट और ऊपर लिखा है थ्री पेमेंट्स ऑफ वन रिक्वायर्ड, तो तीन पेमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। वन रुपये की पेमेंट होगा, वो भी आपके अकाउंट से नहीं होगा, टेंशन ना ले। तो इस पे जाएंगे, ऊपर देखो लिखा हुआ एंटर दिस इज सिंपली जो ये लिखा है पेमेंट डेमो वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्लिक करके कॉपी कर लेना है। लिखा है पेमेंट डेमो एट द रेट BPA, इसको कॉपी करके यहाँ सिंपली इंटर BPA लिखा हुआ है इस पर कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ जो इंटर ओटीपी लिखा हुआ है 8765, इसको टाइप कर देंगे 8765, और जो यस का बटन आ रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर मैंने क्लिक करा तो ये एक पेमेंट हमारी डन हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो एक पेमेंट डन हो चुकी है। अब आपको लिखा है परफॉर्म अनदर पेमेंट ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि तीन बार करना है ये काम हमें, ठीक है। एक बार हो चुका है हमारा, दूसरी बार करेंगे आप, फिर पेमेंट पे प्रोसीड पेमेंट पे करेंगे। वही सेम प्रोसेस आपको कंट्रोल बी कर देना है, तो पेस्ट आपने कॉपी कर रखा था हमने, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको ये टाइप करना है 838765 पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। फिर एक बार और करने पड़ेगी क्योंकि तीन बार हमें पेमेंट करनी है, तो लिखा है प्रोसीड अनदर ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने पहले वाले के साथ करा, प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर ये डालना पड़ेगा ओटीपी 8765, डालने के बाद ये लास्ट टाइम है थर्ड बार, और कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो हमारा ये कम्प्लीटली हो चुका है। यहाँ देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, प्रोसीड, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हो प्रोफाइल में आके और डेस्कटॉप में आके देख सकते हैं, डैशबोर्ड में आपके आके देख सकते हैं। यहाँ कुछ डाउनलोड वाले हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले हम मेन अकाउंट में आते हैं, देखते हैं वहाँ वो टिक आया नहीं आया। आपको दोबारा आना है अपने स्टूडेंट में, व्यू ऑल में, आपको वही बच्चा ढूंढना है जिस बच्चे के आपने करा था। तो अब मैं अखिलेश शहरवार ढूंढ लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो पहले लिखा है शो 15, इसको 50 पे कर देते हैं हम, 50 पे, तो हमें 50 बच्चों तक की लिस्ट दिख जाएगी हमें। तो यहाँ देख सकते हो अखिलेश पे हम आ गए हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट आउटकम फॉर्म पे ग्रीन टिक आ गया। अब देख लेते हैं हमें क्या पढ़ाना है। तो आपको पहले स्टूडेंट के अकाउंट पे आ जाना है, और यहाँ लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी हैंडबुक है उस पे आ जाएगी, वो बहुत अच्छी हैंडबुक है, उसको आप देख के पढ़ा सकते हो बच्चों को, या बच्चों को भी बोल सकते हो कि यही चीज़ हमें पढ़नी है। तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको सेव रखना अपने प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो हैंडबुक आ गई आपको सिंपली डिजिटल वाली, कि इस पे आपको क्या क्या पढ़ाना है और कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ इसमें मेंशन है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।